मुझे जो है 3 बोरी दाने की निकलनी थी, मतलब लगभग 300 किलो, तो 300 किलो की जगह अब शायद 3 किलो भी जो है मक्की मेरे को पास नहीं मिलेगी। किसान में बहुत नुकसान है और कोई फायदा नहीं है। आने वाला टाइम में किसान के लिए तो बचाएगा, देश को बचाएगा, लेकिन किसान बचेगा नहीं बचेगा ये नहीं पता नहीं चल रहा। नमस्ते, मेरा नाम है रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। आपके देश का किसान अनाज उगाने के लिए किन किन परिस्थितियों से दो चार होता है उसकी वानगी आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखेगी, जहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान आए हैं ताकि वो अपनी फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के बारे में बता सकें, वो बता सकें कि उनकी पीड़ा किस तरीके की है, जिनको सुनने के लिए न राज्य सरकारें तैयार हैं ना ही केंद्र सरकार। हमने यहाँ पे आए कुछ किसानों से बात की है, सुने उन्हें। देखिए, हम लोग वहाँ पर झारखंड में आज के दिन आपको 500 से पार हो गया हाथी से मारे जाने, किसान के मारे जाने की, ये इतना माहौल खराब है वहाँ पर। रात को जैसे सूर्यास्त होता है लोग घर के अंदर दबक जाते हैं। अभी इस भयंकर सुखाड़ में भी जो हम धान पैदा किए हैं, सब्जी पैदा किए हैं, हाथी आ जाता है और पूरे के पूरे बर्बाद कर जाता है, खा जाता है। और प्रति सप्ताह, कोई सप्ताह नहीं मिलेगा जी कोई जहां पर किसान नहीं मारा जा रहा। इस परिस्थिति, इस माहौल में हम लोग जी रहे हैं। और वहाँ पर सबसे बड़ा बात है, इतने घटना के बाद हम लोग लगातार उठा रहे हैं मांग, मुख्यमंत्री को मांग दे रहे हैं, केंद्र सरकार को भी भेज रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और अभी हम लोग मजबूरी में गांव में तीर धनुष लेकर के, भाला लेकर के, मसाल लेकर के रात रात पहरा कर रहे हैं ताकि फसल को बचा सकें, बाल बच्चे का पेट भर सकें। और इस माहौल में हम लोग अभी जी रहे हैं, कोई सरकारी मदद नहीं, कोई किसी तरह का हाथियों को, मैंने हाथियों से बचाने का कोई कोशिश नहीं किया जा रहा है। इससे उस इलाके का किसान त्रस्त हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है झारखंड हाथियों से। और अभी मैंने जो है मक्की लगाई थी, जो लगभग 3.5 बीघा में मैंने मक्की लगाई थी, और एक ही रात को जो सूअर है, हालांकि मैंने जो वहाँ पर है बाड़ भी लगा रखी है, जो ये लोहे की जाली है वो बाहर लगाई थी, उसको उखाड़ते हुए जो एक ही दिन में मेरा लगभग 3.5 बीघा जो मक्की का खेत थे वो ख़त्म कर दिए हुए। इससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को नुकसान होता है। अब जबकि मैंने वो मक्की लाइन में लगाई थी, मेरे को जो अर्थराइटिस की बीमारी है उसके बावजूद मैंने उसकी गुड़ाई वगैरह की, लेकिन आज मेरे को पास कोई भी मक्की का दाना नहीं है। साल में एक बार गन्ना कटेगा, ये मक्का है वो तो 4 महीने में हो जाता है, 4 महीने में जैसे आ जाएगा मक्का आ जाएगा, आके ये नुकसान कर देगा। इसी के लिए तो कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है। अगर हम लोग जाके किससे जाके बोलेगा, अरे उसी के लिए हम क्या करेगा। अगर हम लोग मारने के लिए जा रहा तभी फिर आगे हमारा ऊपर केस डाल देगा, फॉरेस्ट एरिया वाला भी आगे कोई कुछ नहीं बोलते। हम लोग का कहना है कि हाथी हो या टाइगर हो, इसको बचाना चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं है। पर जो जिस तरीके से नीतियाँ चला रहे एलिफेंट कॉरिडोर के नाम पर, पहले गजा रिपोर्ट में जो था लगभग 90 के आसपास एलिफेंट कॉरिडोर का निर्णय था, अभी वो 150 से ज़्यादा हो गया। और उसमें भी पहले अगर 500 एकड़ एक नीलगिरी का एक जिला है तमिलनाडु में, 500 एकड़ का अगर एक गांव में लेना था, आज वो 7,500 एकड़ है, जिसमें बेदखली बड़े पैमाने में किसानों का, आदिवासियों का और जंगल में जो परंपरागत रूप से रहे हैं उनका बेदखली हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। और उतना ही नहीं, जिस तरीके से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिस तरीके से जो टीक हो या फिर अफ्रीकन ट्यूलिप वगैरह पेड़ लगाते हैं और फलों का पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, उससे इनको जो जंगली जानवर है उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, वो गांव में आने में मजबूर है। घने जंगलों में पहले हाथी रहा करते थे, बहुत बड़े बड़े घने जंगल थे। घने जंगलों में भी अब सरकार के परमिशन हो या गलत ढंग से हो, बड़े बड़े पत्थर तोड़ने वाले मशीन जो आवाज़ करता है वह जंगल में आ गया है। उस आवाज़ की वजह से हाथी का बड़ा बड़ा झुंड, 50 का 60 का झुंड और गांव के अंदर निकल रहा है। बंगाल के बॉर्डर में बड़ा बड़ा ट्रेंच काट दिया है ममता सरकार, उधर जा नहीं पा रहा है, सबके सब झारखंड में कुछ कर रहा है हाथी, ये हालत हमारे सामने है। पिछले 20 वर्षों से हिमाचल किसान सभा, जन विज्ञान आंदोलन और अन्य 26 ऑर्गेनाइजेशन मिल करके सरकार के ऊपर निरंतरता में दबाव बनाए बैठी है। हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष का पहला राज्य है जहां पर वन्य संरक्षण कानून के तहत
केंद्रीय सरकार ने तीन बार 2016 में, 19 में और 20 में बंदरों को वर्मिन घोषित किया कि उनको मारा जा सकता था। उससे कुछ इलाकों के अंदर थोड़ी राहत मिली है, पर जो जंगली सुअर है, ब्लू बुल है और जो दूसरे जानवर हैं, उसके लिए वो अधिकार अभी राज्य सरकारों के पास नहीं है। तो ये केंद्रीय कानून में इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, राज्य को, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ये अधिकार दिए जाए कि केंद्रीय सरकार के साथ विमर्श करके और वहाँ पर किसानों के संगठनों के साथ मिल करके उतने ही जानवर जंगलों में होने चाहिए जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो, जैसा पूरी दुनिया के अंदर होता है। हाथी, टाइगर, जंगली सुअर जो है, वाइल्ड बोर जो है, इसका बड़ा प्रॉब्लम है, पूरा खेती खेत को नष्ट कर देता है, नाश कर देता है। और उसमें ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम उसको मार भी नहीं सकेंगे, कोई रक्षा किसानों का नहीं है, ये एक चीज़ है। तो कुछ जो जैसे वाइल्ड बोर है, जो जंगली सुअर, इसको वर्मिन घोषित करे और इसको मारने का भी एक अधिकार होना चाहिए, वो भले सरकार करे, पर किसान का पूरा खेती, ऐसे वहाँ पे जो पंचायत है उसमें लगभग 30 लाख लोग इससे नुकसान झेल रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, खेती पूरा नाश किया जा रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि वो हम लोगों को प्रजा मुआवजा की गारंटी करे, 1 करोड़ कम से कम मरने वालों को दे, वहाँ 4 लाख मिलता है मात्र, आपको फसल क्षति में 1 डिसमिल में 20 रुपया मात्र मिलता है, कम से कम 50,000 रुपया प्रति एकड़ मिले, और हाथियों से अस्थाई समाधान का उपाय करे सरकार। इस मांग को लेकर के हम लोग संसद मार्च में आए थे।